हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने जमीन में सुधार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे परिमार्जन पोर्टल के द्वारा। जैसे कि आप सबको पता है कि सपोज आपका जो है जमीन में रैयत का नाम गलत है, चौहद्दी गलत है, खाता खेसरा ही गलत है, या आपका जो है डिटेल्स इंटरनेट पे ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो ये सारी गलतियों को है आप किस प्रकार से सुधार करेंगे, किस प्रकार से आप ऑनलाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साथ मैं आपको एक फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो, और क्या प्रोसेस होता है सुधार करने का, ऑनलाइन किस तरह से करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि मैं जैसे वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको भूमि सुधार के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है परिमार्जन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो है केवल बिहार वालों के लिए है, बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल साइट है। इस वेबसाइट पे कैसे आएंगे अब मैं आपको बताता हूँ। सिंपल स्टेप, आप जो है गूगल पे सर्च करेंगे बिहार भूमि, इस तरह से आप जो है गूगल पे सर्च करिएगा बिहार भूमि, इस तरह से सर्च करेंगे तो होगा क्या कि आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुलेगी, लैंड रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार, biharbhumi.bihar.gov.in। इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप यहां पे इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये जो है वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखता है, जहां से आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं या रसीद कटाते हैं। इन सबका जो है मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जो है चैनल पे खोल सकते हैं। अब देखिए, यहां पे आपको एक परिमार्जन का ऑप्शन मिलेगा, परिमार्जन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। जब आप ब्लॉक में जाएंगे, सीईओ के पास बोलेंगे कि मेरा जमीन में गड़बड़ी है, आप इसको सुधार करिए, आप एप्लीकेशन लिख के देंगे, तो वो ब्लॉक वाले जो भी लोग हैं वो बोलेंगे कि आप जो है परिमार्जन से ऑनलाइन कीजिए। तो इस तरह से जो है केस यहां पे हो रहा है। अब देखिए, आपको ऑनलाइन कैसे करना है। ऑनलाइन करने के लिए आपको देखिए यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेदन करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो किस केस में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं इसकी जानकारी सबसे पहले आप जान लीजिए और फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया है रेक्टिफिकेशन इन डिजिटाइजेशन जमाबंदी। अगर इंटरनेट पे किसी प्रकार के रेक्टिफिकेशन कराना है, मतलब सुधार करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि रेक्टिफिकेशन इन रैयत नेम एंड एड्रेस। सपोज आपका कोई जमीन है, इंटरनेट पे जो है गलत नाम शो कर रहा है, उसका एड्रेस गलत शो कर रहा है, तो उसके लिए जो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है। दूसरा केस है रेक्टिफिकेशन इन खाता खेसरा चौहद्दी एंड रकबा। अगर आपका जो इंटरनेट पे चौहद्दी अलग शो कर रहा है, खाता खेसरा अलग शो कर रहा है, तो उसके लिए भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। मैं अभी बताऊंगा ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद से रेक्टिफिकेशन इन डिटेल्स रिलेटेड टू लगान। लगान रसीद में जो है, आप जो रसीद होता है लगान, उसमें कुछ ज्यादा पैसा दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, तो इसके अगर आप सुधार करवाना चाहते हैं तो इसमें भी सेम यही कंडीशन होगा। उसके बाद अगला जो कंडीशन है चौथा, डिजिटाइजेशन ऑफ लेफ्ट आउट जमाबंदी ड्यूरिंग कंप्यूटराइजेशन। मतलब ये कि आपका जो है डिटेल्स जो है खाता खेसरा या जमीन का विवरण आपके इंटरनेट पे शो ही नहीं कर रहा है, मतलब ऑनलाइन आप चेक कर रहे हैं तो वहां पे कोई जानकारी शो नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आपको सेम यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। देखिए, यहां पे डॉक्यूमेंट्स क्या बताया गया आप समझने की कोशिश करिएगा। एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करना होगा। अब देखिए, यहां पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन केस, मतलब ये कि जिस केस का, जिस जमीन का आप जो है सुधार करवाना चाहते हैं उसका आपके पास म्यूटेशन कॉपी होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद से सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप, जब आप दाखिल खारिज करवाए होंगे उस जमीन का जिसका आप सुधार करवाना चाहते हैं, उसका जो है करेक्शन स्लिप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से भू लगान रसीद, आपने रसीद जरूर कटवाया होगा ऑफलाइन में, तो वो रसीद आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट फाइनल खतियान, खतियान का जो है आपके पास एक कॉपी होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद से सेल्फ डिक्लेरेशन इन डिजायर्ड फॉर्मेट, इसका भी फॉर्मेट मैं अभी बताऊंगा कि वो जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट क्या है। देखिए, यहां पे जो है सेल्फ अटेस्टेड बार बार ये शब्द आ रहा है, मतलब ये कि आपका इसका फोटो कॉपी करना है, उसके नीचे जो है जिसके नाम से जमाबंदी है उसका साइन चाहिए, या घर वाले का भी यहां पे साइन चलेगा। मान लीजिए अगर वो डेथ कर गया है बंदा, तो उसके उस केस में जो है उसके घर वाले, उसके लड़के का जो यहां पे साइन चाहिए, ठीक है ना, जो सुधार करवाना चाह रहा है। अब यहां पे देखिए, काफी सारे यहां पे बताया गया है कि एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट या सेल्फ डिक्लेरेशन इन डिजायर्ड फॉर्मेट, तो ये किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। और भी यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रेक्टिफिकेशन जमाबंदी क्रिएटेड, ये सब के बारे में बाद में बताऊंगा।
क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरा कवर करूंगा तो वीडियो जो है आधा घंटे से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए मैं जो है केवल इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं जो सुधार करके दिखाऊंगा वो ये है कि डिजिटाइजेशन जो है लेफ्ट हो गया है, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट पे कोई भी डिटेल शो नहीं कर रहा है उस जमीन से रिलेटेड। तो मैं जो है इसमें जो सुधार करके आपको एक ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये चौथा वाला जो केस है सेम उसी तरह जो है बाकी का जो भी केसेस है यहाँ पे ये जो है ये वही वाला केस होगा। अब आपको यहाँ पे आ जाना है ऊपर में, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका क्या सुधार करवाना है उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जमाबंदी में रैयत का नाम सुधार के लिए इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रकबा से संबंधित त्रुटि सुधार करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। डिजिटाइजेशन जमाबंदी में भू लगान संबंधित त्रुटि को सुधार करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। या कंप्यूटराइजेशन के दौरान जो जमाबंदी मेडिएशन हेतु आवेदन के लिए ये आप क्लिक करेंगे। तो आप अपना केस चूज करेंगे कि आप जो है किस केस के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उसके सामने वाले पे आप जो है क्या करेंगे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा एक फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं चौथा नंबर यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हेतु आवेदन पत्र, मतलब ये कि आपका जो है जमीन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, ऑनलाइन जो है दिखा नहीं रहा इंटरनेट पे। अब यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से जो है आ जाएगा, आपको जो है उसकी जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है, विषय क्या है। अब यहाँ पे जो है मेरा लगान रसीद वर्ष यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए थाना नंबर लिखना है, मौजा का नाम लिखना है, उसके बाद से पेज नंबर क्या है, जमाबंदी संख्या क्या है, रैयत का नाम क्या है ये जानकारी लिखेंगे, पता लिखेंगे, अपना एड्रेस पूरा, मोबाइल नंबर लिखेंगे, खाता खेसरा बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा खाता कौन सा खेसरा जो है ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, ये आपको है कलम से भरना पड़ेगा, इसको प्रिंट आउट निकाल के उसका कितना जमीन है ये आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद से जमाबंदी का कुल रकबा क्या है ये यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है कि ये जो भी आप जानकारी भर रहे हैं सब चीज़ सही है और इसको अनुलग्नक करके अनुरोध आप कर रहे हैं। यहाँ पे जो है आपको आवेदन का जो है आवेदक का जो सिग्नेचर या थंब लगाते हैं तो थंब आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पे भी वांछित कागजातों के जो उपलब्ध हो, जो उपलब्ध हो यहाँ पे लिखा, देखिए जो आपके पास उपलब्ध है वही लगाना, ये नहीं कि है ये नहीं आपके पास और आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो उपलब्ध है उसी को आपको लगाना है, कम से कम इसमें से लगा सकते हैं आप, मतलब आवेदन फॉर्मेट तो रहेगा ही और ये स्व घोषणा प्रमाण पत्र रहेगा ही, लेकिन भू लगान रसीद लगा सकते हैं, उसके बाद आपके पास अगर जो दस्तावेज होता है वो लगा सकते हैं, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है दाखिल खारिज के अगर आदेश आपके पास है तो ये लगा सकते हैं। तो इन तीनों में से जो है आप कोई एक लगा सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, ठीक है। अब इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके साइन मोहर कर लीजिएगा। अब आपको ऑनलाइन कैसे करना है, तो ऑनलाइन करने के लिए देखिए आपको अगेन पीछे आना है बैक, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोस्ट योर ग्रीवेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद से आपसे जो यहाँ पे आपकी जानकारी पूछेगी, आपका नाम, आपका जो ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद से यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स खुल के आ जाएंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से जो है डिटेल्स खुल गया है। आपको जो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, चलिए मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आने के बाद से आपको पूरा यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। देखिए बोला गया है कि आप अंग्रेजी में लिख के स्पेस दबाएंगे तो वो हिंदी में हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं और मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा स्पेस दबाया तो यहाँ पे जो है हिंदी में हो जाएगा। बाय द वे अगर हिंदी में नहीं होता है तो आप गूगल हिंदी इनपुट टूल का यूज कर सकते हैं। अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे चूज करेंगे, अब डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद से आपको यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का लोकेशन लिखना है, मतलब ये कि मान लीजिए आप निवासी हैं सीवान का और आपका जो प्रॉपर्टी है पटना में, पटना में कुछ गड़बड़ी हुआ है जमीन में तो उसको सुधार करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पटना चूज करेंगे ना कि सिवान चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो है लोकेशन आपको बतानी है, ठीक है, तो जहां आपका प्रॉपर्टी उसकी जानकारी लिए चूज करेंगे। यहाँ पे सर्कल चूज करेंगे किस सर्कल में आता है, उसके बाद यहाँ पे मौजा नाम चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है जितने मौजे हैं उस सर्कल में सारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, आपको जो है अपना मौजा इस तरह से खोजना है और खोजने के बाद से आपको जो है चूज कर लेना है। अब चूज करने के बाद से देखिए यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा किस कैटेगरी का जो है आप सुधार करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आप पहला चूज करते हैं तो यहाँ पे इतने सारे लिस्ट आएंगे, देखिए डिजिटाइजेशन जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार, डिजिटाइजेशन जमाबंदी में खाता खेसरा चौहद्दी में सुधार, या लगान रसीद के तत्संबंधी प्रविष्टि में सुधार, या कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए नाम जमाबंदी डिजिटाइजेशन में सुधार। उसके बाद आप नीचे वाला चूज करेंगे, देखिए इसमें मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे। तो जब आप दो नंबर वाला चूज करेंगे तो यहाँ पे जो है ये दो आएगा ऑप्शन। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि क्रेता विक्रेता जमाबंदी रैयत खतियान खतियानी आदि में जो सुधार करना चाहते हैं उसके लिए आप ये चूज करेंगे। उसके बाद से रेक्टिफिकेशन इन लगान अमाउंट में डिटेल्स आप सुधार करना चाहते हैं तो ये आप चूज करेंगे। तो मैं जो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहला की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नेट पे नाम शो नहीं कर रहा।
अब मैं इसे चूज किया, चूज करने के बाद देखिए यहां पे जो है आपको वो सारा फाइल अपलोड करना है। मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया, देखिए यहां पे जैसे ही आप ये चूज करेंगे तो उसके अनुसार जो यहां पे क्या क्या आपको अपलोड करना है ये जानकारी यहां पे आ जाएगी, और सबको जो है आप क्या करेंगे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे आप पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे, 1 MB से कम होना चाहिए। इस चीज को यहां पे बताया गया है कि सबको जो है आप जो है पीडीएफ फाइल में एक साथ जो है यहां पे चूज फाइल पे क्लिक करके सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जो है आपका आवेदन हो जाएगा। तो मैं आपको सबमिट करके दिखाई दे रहा हूं, और जो मैंने यहां पे फाइल तैयार किया है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पे सबका फाइल कन्वर्ट कर लिया है, देखिए मैं आप दिखाता हूँ इस तरह से जो है मैंने फाइल सबका बना लिया है। सबको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक बार मैं प्रॉपर्टी चेंज करूंगा तो मैं बता देगा कितना जो है इसका प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे 644 KB का प्रॉपर्टीज है टोटल, मतलब 644 KB का फाइल है सबका। मैंने 11 पेज का जो है अलग अलग यहाँ पे दस्तावेज को मैंने यहाँ पे लगाया, रसीद भी मैंने लगाया है, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे भी इसको भी रख लिया है। अब मैं इसे जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है गूगल पे सर्च करना होगा ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है वेबसाइट्स आपको खुल के मिल जाते हैं, आप जो है किसी को ओपन करके आप आराम से कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे पहले वाले से यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसे ओपन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो है फाइल को चूज करूंगा, सबको मैं यहाँ पे क्या करूंगा एक साथ जो है सिलेक्ट कर लूंगा, और इसके बाद से मैं इसे इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया सारा फाइल यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा इसे कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो है फाइल जो है पीडीएफ में अब ये कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब एक पेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, एक पीडीएफ फॉर्मेट में हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 641 KB का बन चुका है। अब इसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो है अपलोड कर दूंगा, तो आप चूज फाइल में क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे उसको और यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है इसे चूज कर लिया, मैं यहाँ पे करूंगा सबमिट। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे क्या होगा ये जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स योर ग्रीवेंस हैज बीन फिल्ड सक्सेसफुल, मतलब जो है आपने सक्सेसफुली आवेदन कर दिया है परिमार्जन पोर्टल पे, और यहाँ पे जो है आपको एक आईडी मिल रहा है। इस आईडी को आप क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे या एक स्नैपशॉट ले लेंगे अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर स्क्रीन में स्नैप ले लेंगे, और आपका नाम शो करेगा, आपका मोबाइल नंबर, और आपने सबमिटेड दिखा रहा है। अगर आपको जांच करना है कि ये कहां तक पहुंचा, इसकी क्या जानकारी है, तो आप जो यहां पे ट्रैक योर ग्रीवेंस पे क्लिक करके इसकी जानकारी लेते रहेंगे, और आपके मोबाइल पे भी एक SMS चला गया होगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, मैं आपको यहां पे ट्रैक करके दिखाता हूं। देखिए मैं इसे क्लोज करता हूं, और यहां पे जो है अब यहां पे एक और ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस आप क्लिक करेंगे तो आपको जो यहां पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे प्रिंट आउट करके जो है रख लेंगे अपने पास, और यहां पे जो है आप अपने ब्लॉक के जो विभाग हैं भूमि विभाग वहां पे जाके CO को सारा फॉर्मेट और जो फॉर्मेट आपने प्रिंट आउट किया उसको प्रिंट आउट करके इसको दे दिया। क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे क्या होता है कि ये लोग हम लोग तो आवेदन कर देते हैं, लेकिन वहां पे जो है जाते जाते होता क्या है कि वो लोग भूल जाते हैं इसका आगे का प्रोसेस करना। आपको मैंने आज का वीडियो दिखाया था कल का वीडियो में कि काफी ज्यादा जो है पेंडिंग है परिमार्जन पोर्टल का, लगभग 35,000 से ज्यादा जो है यहाँ पे पेंडिंग अभी चल रहे हैं। तो आप इसे प्रिंट आउट करके क्या करिएगा अपने जो है ब्लॉक के CO ऑफिसर के पास ले जाकर दे दीजिएगा, ताकि वो जो है आगे का कार्रवाई कर सके जल्दी से जल्दी, तभी होगा। नहीं तो यहाँ पे ऑनलाइन करके और आप बैठ जाइएगा तो वो लोग भी छोड़ देता है। ठीक है ना, आप लोग को पता है सरकारी विभाग का काम किस तरह से होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये ऑनलाइन करने का जो आईडी है ग्रीवेंस आईडी के साथ और जो फॉर्मेट है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टिंग लगाए इसके साथ रसीद दस्तावेज उस सबको जो है फोटोकॉपी करके साइन करके आप जो है ब्लॉक ऑफिस जो CO है उसके पास भी जरूर दे दीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको आवेदन करना है। आप किस प्रकार से ट्रैक करेंगे तो इसको आपको जो कॉपी करना होगा, और ट्रैक करने के लिए उसी वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद से आपको जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा ट्रैक योर ग्रीवेंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना ट्रैकिंग आईडी लिखेंगे, ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिखा देगा एप्लीकेशन इज पेंडिंग एट ऑफिस कंसर्न। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया, आप जो इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है भूमि सुधार के लिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS Solving Forever। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।